क्लास नाइन साइंस एनसीईआरटी पुस्तक के प्रश्नोत्तर अध्याय 6 ऊतक के अंतर्गत हम समझते हैं ऊतक या टिश्यू क्या होते हैं और बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या महत्व है। तो हम जानते हैं कि जो बहुकोशिक जीव होते हैं तो शरीर के अंदर क्या होता है कि जो एक निश्चित कार्य होता है एक निश्चित स्थान पर वो कोशिकाओं के खास तरह के समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। वो कोशिकाओं का जो विशिष्ट समूह है उसे हम कहते हैं ऊतक। मतलब शरीर के अंदर क्या है, एक निश्चित कार्य निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है और कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। बहुकोशिक जीवों में हम जानते हैं श्रम विभाजन होता है, अलग अलग जगह अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतकों की मदद होती है। तो कुल मिलाकर क्या है कि बहुकोशिक जीवों में जो श्रम विभाजन होता है वो ऊतकों की मदद से ही संपन्न होता है और प्रत्येक ऊतक एक विशिष्ट कार्य एक खास तरह का कार्य बड़ी दक्षता से संपन्न करता है। जैसे रक्त है, तरल संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है जो गति करने में सहायक है। अब अगला प्रश्न उसमें पूछा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होती है, हरे पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है हम जानते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए वाष्पोत्सर्जन के कार्य को समझने के पहले कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो होता क्या है कि जो पत्ती की एपिडर्मिस होती है उस पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। फिर क्या है, इन छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो पौधों के पत्तियों के स्टोमेटा के द्वारा वाष्प के रूप में जल के निकलने की जो क्रिया है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और क्या हुआ, पत्तियों से वाष्प के रूप में जल जो निकलता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं और ये क्रिया चलती रहती है पत्तियों से। तो फिर ये वाष्पोत्सर्जन से फायदा क्या है, ये वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक ले जाने में मदद करता है। साथ ही वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, पौधों के जो उनको जरूरी या अनुकूलित उनका अनुकूलन जिस ताप पर होता है उस ताप को बनाए रखने में वो मदद करता है और फलों और फसलों के पकने में भी ये मददगार है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सरल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं ऊतक को, हमने बहुत विस्तार से हमारे चैनल पर आप देख लीजिएगा इस चैप्टर को बहुत विस्तार से हमने समझाया हुआ है। तो जो ऊतक हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक, मृदु ऊतक, जो स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो सरल ऊतकों के तीन प्रकार, मृदु, स्थूल और दृढ़। फिर अगला हमारा प्रश्न बनेगा कि प्ररोह का शीर्षस्थ विभाजोत्तक कहाँ पाया जाता है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ये होता है जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में, मतलब कौन से भाग में, वो किनारे वाले भाग जहाँ से जड़ और तने की वृद्धि होती है वहाँ ये पाया जाता है टॉप पर। और ये इनकी लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो कहाँ पाया जाता है, जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में। फिर आपने नारियल का रेशा देखा होगा, वो तो किस तरह का ऊतक होगा, वो मतलब किस प्रकार का ऊतक है, वो है स्क्लेरेनकाइमा। मतलब कौन सा ऊतक है, इस ऊतक की कोशिकाएं जो है वो मृत होती है। हमने नारियल के रेशे को देखा है, मृत कोशिकाओं का बना हुआ जो उसका ऊतक होता है और उसको हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। तो हमारी इस NCERT पुस्तक के इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा कि फ्लोएम के जो है चार तरह के संघटक हैं, एक चालनी नलिका जिसे हम स्लीव ट्यूब्स कहते हैं, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेशे। और उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, वो है पेशी या पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू जिसे हम कहते हैं।